नहीं किया गया तो हम मार्केटें अपनी बंद करेंगे। तो आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये पुलिस के पास मौका है 72 घंटे का। हम पुलिस से दरख्वास्त करते हैं और ये इन पर रिक्वेस्ट भी करते हैं कि ये इस पर फौरन एक्शन लें, वरना हम कराची के तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल फ़ोन मार्केटें बंद कर देंगे। फिर ये इसके जिम्मेदार जो है हुकूमत सिंध और से कराची पुलिस होगी इसकी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मोहतबाना अर्ज करता हूँ IG गुलाम नबी मेमन साहब से, IG जावद आलम ओड़ो साहब से कि वो हमारे पास आते, हमने लाखों रुपए के मोबाइल रिकवर करके दिए, उनके हाथ से डिस्ट्रीब्यूट करवाए, हम अपने SOPs पे इस्तेमाल करते हैं, CPLC से करवाते हैं। ये हमारे नौजवान लड़के अपनी जान पर खेलकर मोबाइल अपने उन कस्टमरों को वापस करते हैं जिसे छिन जाते हैं। आज हम खुद इस वक्त हमारे से छिने हुए मोबाइल जलालाबाद की आती है लोकेशन के वहां बिक रहे हैं, आईफोन तकरीबन वहां जा रहे हैं। अभी सदर साहब ने बताया मंगो पीर की जगह, क्या हम ये सही बात है क्या? लोगो एरिया है, हम रेडी पुलिस स्टेशन लिया, किसी पुलिस वालों से हमारा कोई शिकवा नहीं है। आपके पास नफरी काम है तो क्या वो नफरी काम होने के लिए हम अपने बच्चों को, अपने बच्चों की जाने दे दें? मैं गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 का चश्मदीद गवाह हूँ। ब्लॉक 2 के अंदर 2 दिन पहले 7 अफगानी कूदे। अफगानी इसलिए कह रहा हूँ कि वो सफेद जोड़े चिट्टे थे, औरतों को मारा, रस्सियों से बांधा ब्लॉक 2 के अंदर कॉन्टिनेंटल बेकरी के पास। तो क्या ये क्या हमारे अरबाब आला को नजर नहीं आता? SHO के पास गए वहां पर तो उसने कहा हमें आपसे हमदर्दी तो कर सकता हूँ, मैं पक्की FIR नहीं काटूंगा। अब ये हमारी औरतें, हमारे बच्चे, वो बच्चे को ले जाना चाह रहे थे, वो अल्लाह का वास्ता दिया उनको कि हम आपको बैंक से और पैसा निकाल के देंगे, बच्चे को ना ले जाएं। हम इस जगह पर आ गए, ये कराची के शहरी है। अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ, सैलाब खत्म नहीं हुआ, फ्रंट लाइन पे कौन था? इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट थी। हमारे सदर मोहम्मद रिजवान सलीम मेहमान और पूरी काबीना थी। कोरोना में आपने देखा हमने राशन बांटा, सैलाब में आपने देखा हमने DG Rangers को दिया, हमने पुलिस को दिया, हमने कमिश्नर को दिया, तमाम राशन हम इकट्ठा करके अब दे रहे। आज हमारे साथ ये आलम है। आने वाला दिन रमजान का है, आप सोचे रमजान से पहले ऐसी डकैतियां हो रही हैं। मैं साहबी बरादरी से दरख्वास्त करता हूँ कि अल्लाह के वास्ते आप भी